नमस्कार बच्चों, आज गणित के इस क्लास के अंदर हम वैदिक गणित की अभ्यास माला 15 उसका अभ्यास करेंगे। पांचवी कक्षा की अभ्यास माला 15 जो है वैदिक गणित के अंदर, वो पुनरावृत्ति की अभ्यास माला है। इस अभ्यास माला में हम जो अभ्यास करने वाले हैं, यानी कि इस प्रश्न में लिखा हुआ है वैदिक गणित पद्धति से व्यकलन कीजिए, ये पुनरावृत्ति है, इसका मतलब इसको हमने पहले सीख रखा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसी के हिसाब से इस पूरी अभ्यास माला को करना है। और आज की कला जो है, मैं पहले ही बता देता हूँ, अभ्यास माला 15 हमारे लिए गृह कार्य के लिए गृह कार्य में रहेगी। पूरी अभ्यास माला के अंदर 15 अभ्यास प्रश्न है, 15 में से एग्जाम्पल के लिए 4 अभ्यास प्रश्न मैं आपको बोर्ड पर बता रहा हूँ, तो उसमें हमको पूरा ध्यान देना है। और उसके बाद में अपनी अभ्यास माला 15 किताब के अंदर ही, पुस्तक के अंदर ही हमको गृह कार्य लगा करके करना है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। वैदिक पद्धति से व्यकलन करना, व्यकलन का मतलब होता है घटाओ, यानी बाकी करना है, माइनस करना है। तो यह देखिए, जीरो जीरो में से दो को घटाना है, जीरो में से दो नहीं घटता, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, दो का तो लेंगे परमित्रण, दो का परमित्रण को लेकर के उसको ऊपर जीरो में जोड़ देंगे। दो का परमित्रण होता है 8, 8 को जीरो के अंदर जोड़ा तो 8। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, परमित्रण कहते हैं जो पूर्वेण है, उस पूर्वेण वाले अंक पर एक न्यून का चिन्ह लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर इसका मान जीरो हो गया, एक के नीचे एक न्यून लगा हुआ है, ये हो गया जीरो। अब जीरो में से 8 नहीं घटता, तो हम क्या करेंगे, 8 का परमित्रण करेंगे, 2 और 2 को 0 में जोड़ेंगे 2। अब हमने परमित्रण भी लिया था, तो इसका मतलब पूर्वेण पर एक न्यून का चिन्ह लगाना, ये कितना हो गया, एक का मान अभी यहाँ पर 0, 0 में से 8 नहीं कटता, 8 का भी परमित्रण लिया, 2 2 को 0 में जोड़ा 2, फिर एक न्यून का चिन्ह लगेगा पूर्वेण पर। अब यहाँ पर जीरो का एक न्यून, इसका मतलब क्या है कि जीरो नहीं, ये एक और जीरो, 10 का एक न्यून हो गया है, यानी कि 9 में से 2 गया, पीछे क्या बचा 7। तो इस तरीके से रुपये और पैसे का हमने व्यकलन किया है, बाकी की है घटाव किया है, तो 101 रुपये 10 पैसे में से 28 रुपये 82 पैसे घटाए जाने पर 72 रुपये 28 पैसे शेष बचते हैं। अब मीटर और सेंटीमीटर को व्यकलन करेंगे, ध्यान से देखेंगे कैसे। 5 में से 6 नहीं घटता, 6 का परमित्रण किया 4, 4 को 5 में जोड़ा 9, और 8 के नीचे एक न्यून का चिन्ह लगा दिया, यहाँ हो गया 7, 7 में से 5 गया, पीछे बचा 2। 0 में से 6 नहीं जा रहा है, 6 का परमित्रण 4 लेकर के 0 में जोड़ देंगे, और परमित्रण के लिए है तो पूर्वेण में एक न्यून का चिन्ह लगा देना। अब 10, 10 में से एक न्यून होते ही ये बन गया 9, 9 में से 3 गया 6। इस तरीके से पांचवा अभ्यास प्रश्न, नौवा अभ्यास प्रश्न देखेंगे, 5 में से 0 गया 5, जब जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, घट रहा है तो कहाँ घटेगा, 2 में से 9 नहीं घट रहा है तो 9 का परमित्रण 1, 1 को 2 के अंदर ऐड कर दिया, तो जोड़ दिया बन गए 3, और इधर एक न्यून का प्रयोग कर लिया। अब 4, 4 में से 9 नहीं जा रहे, 9 का फिर से परमित्रण किया 1, 1 को 4 में जोड़ दिया तो आए 5, और हमने परमित्रण किया था तो एक न्यून पूर्वेण का प्रयोग जरूर करेंगे। 6 में से 9 नहीं कट रहा है, 9 का फिर से परमित्रण 1, 1 को 6 में जोड़ा तो 7 परमित्रण किया, तो हमने एक न्यून पूर्वेण का प्रयोग कर दिया। 7 में से 9 कटाना, ये भी नहीं कट रहा है तो 9 का फिर से परमित्रण 1 और उसको 7 में जोड़ा तो 8। अब परमित्रण किया था, इसका मतलब 5 वाले पर एक न्यून का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे 4 का मान बन गया 3, 3 में से 2 गया 1। 12वां अभ्यास प्रश्न, किलोग्राम को ग्राम, अधिक किलोग्राम में से कम किलोग्राम को घटा रहे, 0 में से 0 गया 0,
जीरो में से पाँच नहीं जा रहा है तो पाँच का वर्गमूल करेंगे, जीरो में जोड़ देंगे यानी कि पाँच, और इस पर एक नियम का टू एम का प्रयोग करेंगे। चार इसका मान, चार में से सात नहीं जा रहा, सात का वर्गमूल करेंगे लेंगे तीन और चार सात, और ये लेते हैं इस पर एक नियम का चिन्ह। चार में से पाँच नहीं जा रहा, पाँच का वर्गमूल करेंगे चार में जोड़ देंगे नौ, और जो ही वर्गमूल लिया एक नियम प्रोग्राम का प्रयोग किया। अब यहाँ पर एक चाहे आप सीधा बारह में से लेते हैं ग्यारह मानो, चाहे एक में से आठ नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, आठ का परमित्रण दो, दो को एक में जोड़ दिया तीन, और परमित्रण के लिए एक में उनका प्रयोग करेंगे, जीरो में से जीरो गया जीरो बचता है, जब जीरो शुरू में लिखो अथवा नहीं लिखो प्रभाव नहीं डालेगा। इस तरीके से आज हमने नैतिक गणित की अभ्यास वाला 15 का अभ्यास किया, और ये अभ्यास वाला हमारे लिए गृह कार्य के अभ्यास वाला है। उम्मीद करता हूँ इस वैदिक पद्धति से व्याकरण करना हम भूले नहीं होंगे, और अगर थोड़ा बहुत भूल भी गए तो अब हमको समझ में आ गया है, हम इसको आसानी से अभ्यास कर पाएंगे। धन्यवाद।